नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की, जहां बहुविवाह प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसमें पत्नी की अनुमति अनिवार्य बनाने की मांग की गई है। पत्नी की अनुमति के बगैर दूसरा विवाह रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुस्लिम महिला रेशमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रेशमा के पति कर रहे हैं दूसरी शादी की तैयारी। ऐसे में रेशमा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई, मानकर चलिए कि तीन शादियां क्या वाकई में अलाउ हैं और उसमें क्या पहली पत्नियों की रजामंदी ली जाती है। अपने आप में शुरू से ही सवाल समाज के अंदर उठता रहा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में अब बहुविवाह प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा विवाह, इसमें पत्नी की अनुमति अनिवार्य बनाने की मांग की गई। पत्नी की अनुमति के बगैर दूसरा विवाह रद्द करने की मांग की गई और इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल मुस्लिम महिला रेशमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रेशमा के पति दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और जाहिर है इसमें रेशमा की रजामंदी नहीं और इसीलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद नहीं कर सकेंगे राहुल गांधी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन अब यह मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंता रेड्डी का आरोप, तेलंगाना की टीआरएस सरकार के इशारे पर इस कार्यक्रम को रोका गया। के मानवता रॉय सहित एनएसयूआई के चार छात्रों की हाईकोर्ट में याचिका, तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विश्वविद्यालय के वकील ने कहा, परीक्षाओं के कारण ये अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करना चाहते थे, लेकिन अब परमिशन विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं दी गई। हालांकि कोर्ट से भी राहत नहीं। और बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, जो कोविड काल में शुरू हुई और उसके अंदर लगातार लोगों को एक्सटेंशन मिलता रहा ताकि गरीब परिवार भूखा ना रहे, लेकिन अब इसमें एक बड़ा अपडेट। अभी तक आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए गेहूं मिलता था, लेकिन अब गेहूं की जगह ज्यादा चावल मिलेगा। गेहूं की सरकारी खरीद काफी कम होने से सरकार ने फैसला किया है। अन्य योजना में दिए जाने वाले गेहूं की जगह 75% अब चावल मिलेगा, महज 25% आपको अनाज मिलेगा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा को छोड़ बाकी राज्यों में चावल मिलेगा। कोविड महामारी के दौरान लागू की गई थी अन्य योजना, सितंबर तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया और इसके लिए सरकार को 1 करोड़ टन गेहूं की जरूरत है। गेहूं कम पड़ने पर इसकी जगह चावल देने का फैसला लिया गया। पाकिस्तानी मेडिकल डिग्री के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी अब जरूरी होगी। दिसंबर 2018 के बाद मान्यता देने के नियमों में संशोधन किया गया है। इससे पहले यूजीसी, एआईसीटीसी ने भारतीय विद्यार्थियों को सुझाव दिया था, पाकिस्तानी कॉलेजों में दाखिला नहीं लेने का सुझाव दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी डिग्री धारकों के लिए आदेश भी जारी किया गया। एफएमजी परीक्षा में बैठने से पहले गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी होगी, इसके बिना आप पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, अगर कोई विदेशी आतंकी भारत का वैध आधार कार्ड बनवा लेगा तो फिर क्या होगा? क्या सिस्टम में खामी का फायदा उठाया जा रहा है? इससे भी बड़ा सवाल कि उनको फिर विदेशी कैसे कहा जाएगा। दरअसल विदेशी आतंकियों के पास वैध आधार कार्ड चिंता का विषय बना हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल दीपक पांडे ने सोमवार को यह चिंता जाहिर की। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं पांडे। आधार कार्ड होने से विदेशी आतंकियों की पहचान बेहद मुश्किल होती है। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे दीपक पांडे। उस दौरान उन्होंने इस समस्या की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई विदेशी है तो फिर उसका किन डॉक्यूमेंट के आधार पर आधार कार्ड बनाया जा रहा है? क्या सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी कमी है
जिसका विदेशी आतंकी फायदा उठा रहे हैं और वो विदेशी होते हुए भी भारत का आधार अपना रहे हैं। क्या गुजरात में कांग्रेस को झटका लग सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जल्द ही कांग्रेस से विदा हो सकते हैं हार्दिक पटेल। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल और गुजरात में पार्टी के अब तक के सबसे युवा कार्यवाहक अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल। पार्टी से कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने से हार्दिक पटेल नाराज हैं। गुजरात कांग्रेस की कोर टीम में शामिल नहीं है हार्दिक पटेल, जबकि वो इस वक्त कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के अंदर। हालात ये हैं कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी हार्दिक पटेल को महत्व नहीं दिया जा रहा और इससे पहले भी हार्दिक पटेल अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, बीजेपी के प्रति बयान दे चुके हैं कुछ। उसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ था कि क्या हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि उसके बाद हार्दिक पटेल ने कहा था कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस के अंदर की कमियों को गिना रहे हैं। उन्होंने तब भी ये कहा था कि राहुल गांधी के प्रति उनकी निष्ठा है, राहुल गांधी से कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी के कहने के बाद भी हार्दिक पटेल को महत्व नहीं मिल रहा तो क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के सजेशंस को माना नहीं जा रहा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या कार्यवाहक अध्यक्ष होने के बावजूद हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस पर अपने कंट्रोल को महसूस नहीं कर पा रहे? और क्या यही एक बड़ी वजह होगी कि हार्दिक पटेल अगर कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो फिर उसके पीछे के कारण दो होंगे, राहुल गांधी के कहने के बाद भी हार्दिक पटेल को महत्व नहीं मिलना और दूसरा उनका कार्यकारी अध्यक्ष होने के बाद भी कांग्रेस पर उनका पूर्ण रूप से कंट्रोल न हो। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में मनीष तिवारी के लेख की, यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध और इसमें भारत का पक्ष। भारत को पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ दिखने की जरूरत है। 3 महीने से जंग जारी है, युद्ध जारी है, इसके जल्दी समाप्त होने के आसार बेहद कम है। भारत के रूस से रिश्ते हैं लेकिन शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। ऐसे में यूक्रेन को मिल रहा लोकतांत्रिक देशों का समर्थन भारत को दोनों पक्षों के बीच में संतुलन बनाकर रखने की जरूरत है। और वर्तमान स्थिति में ऐसा लग भी रहा है कि दोनों देशों के बीच में भारत संतुलन बना भी रहा है, क्योंकि जो भारतीय यूक्रेन के अंदर फंसे थे उनके लिए ना बाकायदा एक कॉरिडोर दोनों सेनाओं की तरफ से दिया गया, बल्कि जो भी भारतीय यूक्रेन के अंदर फंसा था रूस और यूक्रेन दोनों ने उन्हें सकुशल भारत आने दिया गया। पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी। क्या प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी के साथ चुनावी मैदान में होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के रणनीतिकार के तौर पर उनकी भूमिका को देखने की कोशिश की जा रही थी। जब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं और प्रशांत किशोर ने भी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं, तो सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि बिहार में नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। जदयू नेताओं ने कहा बिहार में नीतीश कुमार की मजबूत सरकार है, किसी अन्य राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के लिए बिहार में जगह नहीं। हालांकि चिराग पासवान ने किया प्रशांत किशोर के फैसले का समर्थन। जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कोई भी बना सकता है पार्टी लेकिन बिहार में जगह नहीं। बिहार में इस सरकार के नीतीश मॉडल को पसंद करते हैं लोग, लेकिन जो पीके अभी तक रणनीतिकार के तौर पर सरकारें बनवा रहे थे, क्या वो उस रणनीति के जरिए अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे लाकर खड़ा कर पाएंगे? ये सवाल उस वक्त से शुरू होगा जब वो पार्टी बना ले। चूहे या छचुंदर के काटने से परेशान यूपी के मंत्री पहुंचे अस्पताल। रविवार को बांदा जिले के गेस्ट हाउस में ठहरे थे हरीश चंद्र यादव। सोमवार तड़के 3 बजे किसी के काटने से निकला बाएं हाथ से खून, तत्काल बांदा जिला अस्पताल पहुंचाए गए गिरीश चंद्र यादव। डॉक्टर्स के मुताबिक हाथ में था चूहे या छचुंदर के काटने का निशान। 3 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहने के बाद लखनऊ वापस लौटे उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव। लेकिन शुरुआत में खबर ये थी कि सांप ने उन्हें काट लिया है और इसी वजह से वो तेजी से अस्पताल पहुंचे। हालांकि बाद में ये साफ हुआ या तो छचुंदर ने काटा या पर चूहे ने काटा, अभी वो सही है। 4 घंटे तक
डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहे युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री हरीश चंद्र यादव। हरियाणा के बीजेपी विधायक असीम गोयल ने ली हिंदू राष्ट्र की शपथ। अंबाला में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे असीम गोयल। हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। सामाजिक चेतना संगठन ने आयोजित किया था सेमिनार। समान नागरिक संहिता पर आयोजित सेमिनार में गोयल मौजूद थे। सेमिनार में लिया गया हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। उत्तरी बंगाल की तरफ बीजेपी का विशेष ध्यान है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने पहुंचेंगे शाह। दरअसल बुधवार से पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के सांसदों, विधायकों, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। कोलकाता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय जा सकते हैं शाह। सिलीगुड़ी में आम सभा को संबोधित कर सकते हैं अमित शाह। यानी कि चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल पर नजर है, क्योंकि जिस तरीके का परिणाम इस बार आया उस परिणाम को अगले चुनाव से पहले अमित शाह पूरे तरीके से बदलना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। शायद इसी परिदृश्य में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मजबूत करने के लिए शाह एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर हैं, उत्तरी बंगाल के दौरे। और अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, जहां स्कूलों के मिड डे मील में मीट प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया है। लक्षद्वीप में डेयरी फार्म बंद करने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन से जवाब तलब किया है। सितंबर 2021 में हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में यह हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। क्या वाकई में संघ की राह पर है आम आदमी पार्टी? राष्ट्रवाद की लड़ाई उत्तर प्रदेश के मोहल्लों तक ले जाएगी आम आदमी पार्टी। जुलाई में जगह जगह तिरंगा शाखा लगाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तिरंगा शाखा में लोगों को बताया जाएगा वास्तविक राष्ट्रवाद। लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना। बीजेपी से निपटने के लिए आरएसएस की तरह शाखा भी लगाएगी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी लगातार खुद का विस्तार भी कर रही है, क्योंकि दिल्ली के बाद जिस तरीके की जीत पंजाब में मिली है, उसके बाद आगामी चुनाव चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, गुजरात में हो या फिर राजस्थान में हो, लगातार आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव पर फोकस कर रही है और आरएसएस की तर्ज पर शाखा लगाने की तैयारी भी कर रही है। जुलाई से जगह जगह पर तिरंगा शाखा लगाएगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इस दौरान तिरंगा शाखा में लोगों को वास्तविक राष्ट्रवाद बताया जाएगा। लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी संविधान की प्रस्तावना। और बीजेपी से निपटने के लिए आरएसएस की तरह शाखा आम आदमी पार्टी लगाने वाली। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हालत अस्पताल में गंभीर है। मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर नवाब मलिक आईसीयू में भर्ती हुए। फिलहाल जेके अस्पताल के अंदर भर्ती है नवाब मलिक। उनकी स्थिति में कितना सुधार, ये बुलेटिन अभी तक नहीं आया। देश में 3 विधानसभा सीटों पर 31 मई को उपचुनाव की घोषणा। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीटें इनमें शामिल हैं। चंपावत से चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ओडिशा की ब्रिजराजनगर, केरल की त्रिकारा सीट पर उपचुनाव है। 4 मई को शुरू होंगे नामांकन। 11 मई तक नाम वापसी की तारीख है। वहीं 31 मई को वोटिंग मतदान होगा और 4 जून को परिणाम आ जाएगा, मतगणना होगी। महाराष्ट्र में नहीं थम रहे राजनीतिक घटनाक्रम। नवनीत राणा और रवि राणा के बाद अब मनसे प्रमुख की बड़ी मुश्किलें। औरंगाबाद पुलिस ने मंगलवार को राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दायर की। महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी और नहीं हटाने पर 4 मई से आंदोलन के ऐलान का राज ठाकरे पर असर। ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने कहा था, हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया, लेकिन 3 मई को ईद है, मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता।
हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। हम मस्जिदों के सामने दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र डीजीपी रजनीश सेठ ने सौहार्द भंग करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने मंगलवार को गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की। राज्य भर में एसआरपीएफ और होमगार्ड को भी तैनात किया गया।